Good evening, everyone. I am Sudhanya Sen Gupta. Let's start Durkheim part 2. Now, my topic is solidarity. The examples of solidarity. The examples of solidarity is a protest to clear goal, countable. That means which we can identify, or it is countable, a bond of unity and agreement between individuals, united around the common goals or against the common enemy, such as the identifying principle defines in the labor movement, mutual support within a group. इसका मतलब है कि सॉलिडरिटी मतलब है जो हम सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए. कॉमन गोल मींस यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि लेबर मूवमेंट. कोई भी मूवमेंट हो उसके लिए एक कॉमन गोल होना चाहिए. एक कॉमन गोल है इसीलिए लेबर मूवमेंट हो रहा है. जैसे ग्रीन मूवमेंट, जैसे पेड़ को बचाओ ऐसा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ये सबके पीछे एक कोई ना कोई वजह है. एक मास के अंदर, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर कोई ना कोई वजह है जिसके लिए ये मूवमेंट हो रहा है. दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिडारिटी. दैट मींस हम सबका एनिमी कॉमन है. जैसे लेबर मूवमेंट अगर होगा तो किसके अगेंस्ट होगा? मालिक के अगेंस्ट होगा लेबर मूवमेंट. तो वहां पर अगर 100 लेबर होगा तो 100 लेबर का एक ही एनिमी होगा, वो है मालिक, जो ठीक ठाक से उन लोगों का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर रहा है. यही है सॉलिडरिटी. तो दुर्खाइम ने सॉलिडरिटी को दो भाग में, टू पार्ट में डिवाइड किया है. टू टाइप्स ऑफ सॉलिडरिटी, दैट इज मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक. तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. अगर हम लोग मैकेनिकल सॉलिडरिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा रफली कॉरिस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर एंड लार्जर सोसाइटीज. मैकेनिकल सॉलिडरिटीज रेफर्स टू कनेक्शन, कोहेशन एंड इंटीग्रेशन बॉन्ड ऑफ द होमोजेनिटी एंड सिमिलर वर्क, एजुकेशन, रिलीजियस लाइफ. सो मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है कि हम लोगों का सब कुछ सेम है. They all hold the same values and beliefs. वो जो movement के बारे में मैंने बात किया था, तो movement में सबका values and beliefs सही था, एक ही था. सही मैं नहीं बोल रही हूँ, एक था, same था. कि हम लोगों का मालिक हम लोगों का demand पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए labor movement हो रहा है. तो इसमें उन लोगों का जो values and beliefs है, जो thoughts process है, वो सभी का सेम है. All of the children attended school, ate the same food and they are follow the village customs. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं सोसाइटी में, हम लोग जो जो फेस्टिवल्स होता है, हम लोग लगभग सभी एक ही कस्टम्स फॉलो करते हैं. इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग करते हैं. हम लोगों का बिलीफ सेम है. डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के ऊपर हम लोगों का बिलीव जो है ना, वो सेम हो जाता है उसके उस वक्त पर हम लोग एक ही गॉड को पूजा कर रहे हैं, एक ही गॉड के सामने प्रे कर रहे हैं, एक ही गॉड के सामने नमाज पढ़ रहे हैं. हम कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों का बिलीव वैल्यूज उस वक्त सही हो जाता है. सही मतलब सेम हो जाता है, एक हो जाता है. दिस इज द मैकेनिकल सॉलिडरिटी. Now I am talking about the organic solidarity. Organic solidarity is the social cohesion based upon the interdependence that arises between people from the specialization of the work, complementarism as the result of the more advanced. Organic solidarity ka matlab hai kuch special karna, specialization. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आर्किटेक्ट्स डिजाइन्स होम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग्स होम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेट अप द इलेक्ट्रिसिटी. अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ये उनका स्पेशलिटी है. जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो कभी भी
घर नहीं बनाएंगे, जो घर बनाएंगे वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करेंगे, जो आर्किटेक्ट होंगे वो कभी लेबर का काम नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल द डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, दिस इज ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। Differences between organic and mechanical solidarity. Organic solidarity consists of the people who perform specialized tasks and functions. मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि जो special, जैसे teacher और professor पढ़ा रहे हैं, इसके नाम के साथ पढ़ाना जुड़ गया है। जो architect है, उसके नाम के साथ design जो part है, designing part जुड़ गया है उनके साथ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल मींस रिक्वायर्स पीपल परफॉर्म द सेम टास्क। मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो डिमांड करता है कि पीपल सेम टास्क करें, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक ही काम करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एंड फंक्शंस। दिस इज स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ही काम करता है हम लोगों के सोसाइटी में। जो स्टूडेंट होता है स्कूल ठीक वक्त पे स्कूल जाता है, ठीक टाइम पे टिफिन लेता है, ठीक टाइम में घर आता है, वो है स्टूडेंट का काम। दैट इज मैकेनिकल सॉलिडरिटी। लेबर का काम क्या है? ठीक वक्त पर काम पे जाना, ठीक वक्त पर ब्रेक लेना, ठीक वक्त पर घर पे आना, ये लेबर का काम होता है। दिस इज मैकेनिकल सॉलिडरिटी। एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी मैंने पहले भी कह चुका, जो स्पेशलाइजेशन होता है कुछ कुछ कामों में, जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो पेंटर है वो पेंटिंग ही करेगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। और भी अगर मैं बारीकी से मैं बोलूं तो जो पेंटर है, पेंटिंग में भी बहुत सारा डिवीजन होता है। ऑयल पेंटिंग होता है, ग्लास पेंटिंग होता है, स्प्रे पेंटिंग होता है, ब्रश पेंटिंग होता है, बहुत सारा डिवीजन होता है। तो उसमें भी कुछ कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं। So this is called organic solidarity. Now the most important question is, why organic solidarity was important for us? Organic because is based on interdependence, and it is the social glue that keeps society together, complex society. That means interdependence, that means khud ke upar bharosa karna, ye organic solidarity sikhata hai, jiske badolat हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जाके, जिसके बदौलत हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आकर जा भी जाए तो उसको उस सोसाइटी में जाके हम लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होता। ये हम लोगों के साथ, ये जो हम लोगों का जो स्पेशलिटी है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, हम लोगों के साथ रह जाता है। दिस इज द सॉलिडरिटी ऑफ इमाइल दुर्खाइन। सो आई होप you all learned from something this lesson. So please keep watching and subscribe my channel, and till then, good night.